बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष, इसे हम लोग षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। छठा नंबर तत्पुरुष होता है बच्चों। एक्चुअली में इसका बच्चों संबंध कैसे पता करेंगे? का के की रा रेड़ी, का के की रा रेड़ी, मतलब रा रेड़ी तो एक्स्ट्रा है, मतलब मेन है का के की। का के की मेन एग्जाम में आता है बच्चों। देखिए इसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री राजा की पुत्री, राजकुमार राजा का कुमार, राजकुमारी राजा की कुमारी, कुमारी मतलब बेटी, राजकन्या राजा की कन्या, कन्या मतलब बेटी, राजमहल राजा का महल, देश रक्षा देश की रक्षा, शिवालय शिव का आलय, शिवालय शिव का आलय, गृह स्वामी गृह का स्वामी, विद्यासागर विद्या का सागर, राजज्ञ राजा का आज्ञा, राजज्ञा राजा का आज्ञा, पराधीन दूसरे के अधीन, पर के अधीन, पर मतलब दूसरा बच्चों, पराधीन मतलब होता है जब हम दूसरे के गुलाम हो जाते हैं ना, हम लोग पराधीन थे अंग्रेजों के 200 साल। फिर से रिपीट बोलो, राजपुत्र क्या होगा बोलो? राजा का पुत्र, बोलो राजपुत्री राजा का पुत्री, राजकुमार राजा का कुमार, राजकुमार राजा का कुमारी, राजकन्या राजा की कन्या, राजमहल राजा का महल, देश रक्षा देश की रक्षा, शिवालय शिव का आलय, गृह स्वामी गृह मतलब घर, गृह मतलब स्वामी मतलब मालिक घर का मालिक, विद्यासागर विद्या का सागर, राजाज्ञा राजा का आज्ञा, पराधीन पर के अधीन दूसरे के। ये सभी क्या है? इसे क्या क्या बच्चों? संबंध बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष। क्या बोलेंगे बच्चों? राजपुत्र क्या होगा बोलो? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्री राजा की पुत्री, राजा की पुत्री, देखो इसको लिखना है बिगड़ा छोड़ लिखना है, राजकुमार राजा का कुमार, राजा का कुमार बच्चों, राजकुमार राजा की कुमारी, आप ऐसे तो लिख लीजिए बच्चों, राजकन्या राजा की कन्या मतलब बेटी, बेटी बेटी कन्या मतलब बेटी, बेटी कुमारी, राजकुमार राजमहल राजा का महल, देश का देश की देवालय शिवालय शिव क्या शिव का आलय, शिवालय मतलब शिव का घर, देशभक्ति देश का भक्त, देशभक्त यस देशभक्त भी होगा, देश का ये भी लिखो देशभक्त, देशभक्त देशभक्त बच्चों, ठीक है, विद्यासागर विद्या का सागर, राजाज्ञा राजा का आज्ञा, और पराधीन दूसरे के अधीन बच्चों। ये आपको ये हो गया बच्चों। अब लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष बच्चों, ठीक है, बाय बाय बच्चों।